तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस अबाउट 32 टाइम्स ऑफ च्यूइंग फॉर्मूला। जी हाँ, 32 बार का जो फॉर्मूला है उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, कब से मैंने स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया, कैसे पता चला 32 बार के फॉर्मूले के बाद, और उसको यूज़ करने के बाद मेरा कितना ज़्यादा वेट कम हुआ, वेट बैक आया या नहीं आया, या फिर क्या प्रॉब्लम्स आई मुझे और अभी भी क्या प्रॉब्लम मैं फेस करती हूँ इस फॉर्मूले को यूज़ करने से, और कितना इजी है, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। आपको पूरी चीज़ें शुरू से एंड तक बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा है या हमसे नहीं हो पाता है, हमें याद नहीं रहता है, तो मेरे साथ भी सब प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने इनका क्या सलूशन निकाला, किस तरह से मैंने अपने आप को हैबिचुअल किया, आज मुझे आदत है 32 टाइम्स च्यूइंग करने की, तो वो कैसे पड़ी और मेरा वेट गया भी कि नहीं गया, आज सारी चीज़ें इस वीडियो में। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज निलोफर एंड यू वाचिंग मी ऑन फैट टू फैबलेस। होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो मैंने आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता दिया है। आज हम बात करेंगे 32 बार के फॉर्मूले की, और मीन्स मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसे मैंने इसको स्टार्ट किया और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो आज से एक साल पहले या उससे और ज़्यादा ही टाइम हो गया है, तब मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था YT पे, जिसका जो मेरा वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन था, जिसमें मैंने बताया था कि मैंने 32 बार से 8 to 10 kg वेट लूज़ किया है विद इन 2 months or 3 months। ठीक है, बस ऑलमोस्ट इतना ही टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, तो बहुत ज़्यादा खुश भी थी। और YT पे मेरा चैनल था, मैं व्लॉगिंग भी करती थी और अदर वीडियोज़ भी डालती थी, तो जब मेरा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो मैंने अपनी बिफोर और आफ्टर पिक डाल के वीडियो अपलोड किया था, तो उसे लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत व्यूज़ भी आए, बहुत सारे मुझे क्योरीज भी आई, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, आज तक आते हैं कि कैसे किया, क्या किया। और उसके बाद मैंने उस पर काफ़ी सारे वीडियो बनाए, सॉल्ट फ्री डे मैं कैसे करती हूँ, सॉल्ट फ्री रेसिपीज़ कैसे करती हूँ, कितना चलना है, सारी चीज़ों के बारे में बताया। बट कुछ चीज़ें थी, जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर नहीं किया कभी भी, कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था, क्या फ़ील किया था, जब करती थी तो क्या प्रॉब्लम्स आती थी, तो आज मैं वही बात करने वाली हूँ आप। तो फ्रेंड्स, कहाँ से मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपना वेट लूज़ करना है, स्टार्ट वहीं से करते हैं। तो जब मेरा बेबी हुआ तो उसके बाद क्या हुआ था, मेरा सिजेरियन हुआ था, और उसके बाद मेरा वेट क्या स्टमक एरिया पे से टमी फैट मेरा काफ़ी बढ़ गया, मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ। बच्चे के साथ आप उतना रियलाइज़ नहीं कर पाते हो, उसकी केयर में लगे रहते हो तो उतना आप ध्यान नहीं दे पाते खुद पे, तो मेरे साथ वही हुआ। और फिर कुछ ईटिंग हैबिट्स भी थी मेरी जो थोड़ा सा ख़राब हो चुकी थी, तो उसकी वजह से और मतलब ऐसा लगता था कि अगेन प्रेग्नेंट हूँ, इतना ज़्यादा मेरा टमी था। तो जब लोगों ने कहना स्टार्ट किया, मतलब मेट्रो में ऐसा लगता था, दूसरे लोग समझते थे मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मतलब फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग मतलब समझते हैं कि मेरा जो टमी है वो उसमें मतलब मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ और मैं इतनी मोटी हो रही हूँ, और लोग बोलना भी स्टार्ट करने लगे, तो फिर मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि हाँ मेरा वेट बढ़ रहा है। वैसे मेरी जो हाइट है वो मैं बता दूँ आपको, 5'7" है, तो हाइट के अकॉर्डिंग ना वेट मेरा मतलब ओवरऑल बॉडी ठीक लगती थी, बट मेरा जो टमी एरिया था वो बहुत ज़्यादा था, साथ ही साथ फेस वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा मतलब स्वेलिंग से रहती थी, तो वो सारी चीज़ें थी। तो मेरे फ्रेंड्स, साथ जब रियलाइजेशन हुआ कि वेट बढ़ गया है, तो मैंने कुछ चीज़ें अपना करनी स्टार्ट करी, इधर से पढ़ के उधर से पढ़ के देख के अलग अलग डाइट स्टार्ट की। और उससे क्या होता था कि डाइट तो नहीं होती आज भी मुझसे, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्या है ना, मूडी हूँ और फूडी भी हूँ, तो मुझे मतलब खाना मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती, बट जब भी मुझे भूख लगती है तब मैं खा लेती हूँ, मतलब मेरा ऐसा कोई रूटीन नहीं था उस टाइम भी। और मुझे खाना पसंद है, मतलब अच्छी चीज़ें खाना, नई नई डिशेस एक्सप्लोर करना, तो डाइट का जो टर्म होता है वो ऐसा होता है कि उसको सोच के ही जो लोग फूडी होते हैं ना उनको डर लगने लगता है, तो मेरे साथ वही था कि मैं 1-2 दिन तो कर लेती थी, बहुत ज़्यादा मतलब इंथूजियाज़म आ जाता था, बहुत ज़्यादा एक्टिव होके कि नहीं अभी करना है,
अभी करना है, और क्या होता था 2-3 दिन करने के बाद वो डाइट फ्लॉप हो जाती थी, और मैं डाइट का मतलब भी एग्जैक्टली नहीं पता था, बस ये लगता था फ्रूट्स खा लो, रॉ वेजीज खाओ और उबला खाना खाओ, तो यही डाइट है, और वो मैं नहीं खा सकती आज भी, तो ऐसा होता था मेरे साथ। तो उस वजह से कुछ भी असर नहीं हुआ, कोई भी वेट लॉस नहीं दिखा और टमी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो मैं ऐसे यूट्यूब सर्च करती रहती थी, तो वहाँ पर मैंने स्वीकार जी का, जो स्वीकार भारद्वाज जी हैं, उनके वीडियोस देखे, तो वो बताते थे कि 32 टाइम्स च्यू करने से आप कुछ भी, मतलब कुछ भी खा सकते हो और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आपका वेट लूज़ भी होगा। मुझे तो पहले ये जोक सा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप सब कुछ खा सकते हो फिर भी मतलब वेट नहीं बढ़ेगा, और मेरा टमी फैट तो इतना था कि मुझे नहीं लगता था कि कैसे कम होगा, और मुझे मतलब पहले रियलाइज़, मतलब उनकी बातों पे थोड़ा सा डाउट हो गया, तो मैंने कहा चलो मैं खुद करके देखती हूँ 1-2 दिन। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि चलो आज मैं स्टार्ट करती हूँ, 32 टाइम्स च्यू करूँगी, और छोटे छोटे पीसेस किए मैंने एक रोटी के, और उसके बाद उसको धीरे धीरे खाना स्टार्ट किया। बट हुआ क्या, बीच में मैं भूल गई, और फिर मैं जैसे मेरी आदत थी वैसे ही मैंने खा लिया। तो एक बार हुआ, दो बार हुआ, और होता क्या था कि मैं पूरा सोच के रखती थी कि डिनर में ऐसा करूँगी कि थोड़ा थोड़ा खाऊँगी, च्यू करूँगी, छोटे छोटे पीसेज में खाऊँगी, तो ऐसा सोचती थी, बट वो हो नहीं पाता था, भूल जाती थी, कभी कभी बच्चा रोने लगता था, कभी कुछ हो जाता था, तो वो मेरा आइडिया फ्लॉप हो जाता था। तो फ्रेंड्स, ऐसा ट्राई करते करते एक दिन मैंने अच्छे से मन बना लिया कि नहीं, आज तो मुझे करना ही करना है एनी हाउ, और मैं कंटिन्यू करूँगी इसको। तो उस दिन मैंने छोटे छोटे पीसेस किए रोटी के, आराम आराम से खाए, च्यू किया, थोड़ा रिलैक्स होके खाया, अपने आप को टाइम दिया 1/2 आवर में, मतलब दैट्स ट्रू कि एक रोटी मेरी 1/2 आवर में ही ख़त्म कर हुई, जिस तरह से मैंने च्यू किया उस हिसाब से, और उसके बाद मेरी भूख कम हो गई, मतलब ऐसा हुआ कि मैंने 1 से 1.5 रोटी ही खाई और फिर मुझे क्रेविंग्स ख़त्म हो गई, मुझे भूख लगना बंद हो गई उस टाइम, और मैंने अपना फिनिश कर लिया डिनर। और यूजली उस टाइम क्या होता था, 2 रोटी, राइस और बहुत कुछ खा लेती थी, लेकिन तब भी मतलब सेटिस्फाइड नहीं होती थी, लेकिन उस दिन जब मैंने 1 रोटी 1.5 रोटी ही खाई और ऐसा लगा अच्छे से पेट भरा और बहुत लाइटर फील हुआ, ठीक है। उस दिन रात में भी पूरी रात बहुत मतलब ऐसा लगता है ना कभी कभी आप बहुत हैवीनेस से सोते हो, तो वो नहीं था, बहुत लाइट सा फील हुआ। जब मॉर्निंग में उठे तो बहुत लाइट फील हुआ, बहुत एनर्जेटिक फील हुआ, तो मुझे लगा कि शायद कारगर है और मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन करे कैसे, भूल जाते थे कि ब्रेकफास्ट सामने आया और भूल गए। तो उस दिन से मैंने ऐसा एक चीज़ बनाई कि मैंने अलार्म लगाया स्टार्टिंग में, तो ये मैं आपको सच बता रही हूँ कि मैं फ़ोन में टाइमिंग के साथ अलार्म लगाती थी, जैसे मुझे 8:30 पे ब्रेकफास्ट करना है तो मैं अलार्म लगा देती थी 8:30 का, और उसमें लिख के आता था कि 32 टाइम्स च्यूइंग फॉर्मूला, तो ऐसे करते थे तो ब्रेकफास्ट लेके बैठते थे तो फ़ोन लेते थे, ऑब्वियसली बात बिना अलार्म के भी याद आ जाता था। ऐसा होता था ना, आप कोई ऐसी चीज़ पे कर लो जिस पे आपकी नज़र बार बार जाए, कहीं लिख के डाल दो, कहीं स्टिक कर दो, तो वो याद रहता है। तो मैंने ऐसे फ़ोन में किया क्योंकि फ़ोन हाथ में हमेशा रहता है यूट्यूबर्स के, तो मेरे भी हाथ में रहता था तो मुझे याद आ जाता था। तो इस तरह से ब्रेकफास्ट में हुआ कि हाँ मुझे याद आया, तो फिर मैंने 32 टाइम्स ही च्यू किया, फिर उस तरह से लंच में भी डिनर में भी इस तरह से किया। स्टार्टिंग में दर्द होता था दांतों में और मतलब लगता था, अजीब सा लगता था कि कैसे धीरे धीरे करके खा रहे हैं, कभी कभी होता था कुछ काम आ जाता था बीच में तो खाना छोड़ना पड़ता था, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती थी। तो फ्रेंड्स, अलार्म लगाने से एक ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि मुझे फिर याद रहने लगा कि मुझे 32 बार च्यू करना है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। धीरे धीरे क्या हुआ कि दांतों में जो पेन होता था वो भी ठीक हो गया और थोड़ा सा मैं यूज़ टू हो गई, तो उतना चल रहा था ठीक ठीक। उसके बाद मैंने और चीज़ें देखी तो मुझे पता चला मुझे सॉल्ट फ्री डे भी करना है, और उस टाइम मैं ग्रीन टी नहीं पीती थी तो मैंने ग्रीन टी मंगवाई, लेके आई और उसको मैंने ट्राई किया, और ग्रीन टी जैसे जैसे स्टार्ट करी 1 वीक में मुझे उसकी भी आदत लग गई, और ग्रीन टी आज भी मैं मतलब पीती हूँ, मुझे 3 टाइम्स तो चाहिए ही चाहिए, तो ग्रीन टी की आदत पड़ गई। फिर क्या हुआ कि एक दिन सॉल्ट फ्री करना था, तो सॉल्ट फ्री के लिए उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था कि सॉल्ट फ्री में मैं क्या खाऊं, कैसे खाऊं, क्या बनाऊं और बिना नमक के कैसे क्या अच्छा लगेगा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर इधर उधर वीडियोस देखी, उससे भी नहीं कुछ पता चला सॉल्ट फ्री के बारे में। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया कि मैं कैसे कोई भी डिश अच्छी बना सकती हूँ बिना सॉल्ट डाले, और
आप जब वेट लॉस पे होते हो तो आपको जो इनटेक होता है सॉल्ट, शुगर और जो ऑयल, इन चीज़ों का कंजम्पशन जो होता है वो कम अगर आप कर दोगे तो ऑब्वियसली आपकी धीरे धीरे आपका वेट लूज़ होने लगेगा। स्लो प्रोसेस होगा पर वो लूज़ होने लगेगा। तो ऑयल तो मैंने कम कर दिया था, राइस में लेती थी वंस अ वाइल बट बहुत ज़्यादा नहीं लेती थी, जैसे पहले 3 टाइम और 2 टाइम्स खाती थी तो वो मैंने बंद कर दिया था, तो ऐसा कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने अपना वेट मशीन वगैरह मंगाई और मैंने फिर 7 डे पे चेक किया, तो उस टाइम पे 7th डे पे जो मेरा 7 दिन था उसमें मेरा 1 kg लूज़ हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे 7 दिन में 1 किलो लूज़ हुआ था बट मुझे खुशी इस बात की हुई, तब मैंने सॉल्ट फ्री भी नहीं किया था, तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि चलो कुछ तो गया, और गया और मुझे लाइट फील हो रहा था। मतलब होता है ना जब आप मुझसे शायद काफ़ी सारी गर्ल्स और लेडीज़ रिलेट कर पाएँ कि जब आप वेटेड होते हो ना तो आपके हाथ पैर भी हैवी लगते हैं चलने फिरने में, और ऐसे हमेशा इतना एनर्जेटिक नहीं रहते, किसी काम में उतना मन नहीं लगता और भारीपन सा लगता है, ऐसा लगता है कि बस लेटे रहो आराम करो। तो उस टाइम ऐसा मेरा भी हाल था, बट मैंने 32 बार जब स्टार्ट किया तो ये चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी और बहुत एक्टिव हो गई थी मैं। और जैसे वॉक कह रहे हो तो क्या हुआ, अब जब सॉल्ट फ्री का टाइम आया मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीक में मैं सॉल्ट फ्री करूँगी ही करूँगी कैसे भी, तो सॉल्ट फ्री के लिए मैंने अपने आप से सोचा क्या बनाऊँ, ओट्स लाई, ओट्स मैंने ओट्स का चीला बनाया, ओट्स बनाए उस दिन, ओट्स खाए मैंने, मीठे ओट्स खाए थोड़ा सा जैगरी वगैरह डाल के कि सॉल्ट ना जाए, ठीक है, सॉल्ट को अवॉइड किया, ब्रेड खाई बट ब्रेड में सॉल्ट होता है ये उस टाइम मुझे पता भी नहीं था और उतना मैटर भी नहीं की वो चीज़, और अभी भी सॉल्ट फ्री में कभी कभी मैं खा लेती हूँ ब्रेड, ऐसा नहीं है, बहुत थोड़ा ही सा होता है सॉल्ट उसमें, लेकिन मैं जब अगर मन करता है तो मैं खा भी लेती हूँ। तो फिर ये हुआ कि सॉल्ट फ्री भी किया, ग्रीन टी भी लेने लगी, तो अभी बात आई कि मुझे वॉक करना है क्योंकि 32 टाइम्स चेंज फार्मूला में आप एक्सरसाइज मत करो, ठीक है, डाइट भी आप मत करो, बट आपको वॉक करनी होती है और वॉक आपको पूरे दिन में 10,000 स्टेप करनी है, अगर आप वो कर लेते हो ना तो टच वुड बहुत ईजली आपका वेट जाएगा। डेली आपको 10,000 कदम चलने ही चलने हैं, जो आप डेली यूज़ में काम करते हो, जो वॉक मतलब चलते फिरते हो, उस चलने फिरने को हटा के 10,000 कदम, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आपने काउंट कर लिया कि अरे मैं किचन तक गई फिर मैंने वो किया मैंने वो किया तो मेरे 10,000 हो गए, ऐसे नहीं। जब आप एक टाइम लेके इवनिंग में या मॉर्निंग में जब आप वॉक करते हो उस टाइम अपने रिस्ट वॉच या कहीं फ़ोन में या किसी ऐप में लगा के अपने काउंट करो स्टेप्स, और 10,000 स्टेप होने चाहिए। तो स्टार्टिंग में मेरे 5,000 स्टेप होते थे, 3,000 होते थे, 4,000 होते थे, बट मैं 10,000 रीच नहीं कर पा रही थी, मतलब 9,000 नहीं कर पा रही थी। तो ये बड़ा टास्क आया मेरे साथ, पैरों में दर्द होने लगा क्योंकि पैर वगैरह पतले, असली जो फैट है वो टमी फैट है, तो उस वजह से पैर वैरों में दर्द होने लगा। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जो खा रही हूँ उसमें मुझे कुछ अच्छी चीज़ें भी ऐड करना चाहिए, हेल्दी फूड, घर का फूड तो खाती थी बट साथ ही साथ उसमें कुछ कैल्शियम वाली चीज़ें ज़्यादा हों, कुछ मिनरल्स हों, मतलब प्रोटीन हो, सब एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। तो उस तरह से फिर बैलेंस डाइट पे ध्यान गया, फिर अपने लिए डाइट बनाई कि हाँ अब इस तरह की डाइट लेनी है, इतना इतने पोर्शन में खाना है, स्मॉल प्लेट्स ली क्योंकि ये पता था कि जब आप स्मॉल प्लेट में लेते हो तो कम ही खाते हो और च्यूइंग करते हो 32 टाइम्स तो ऑलरेडी कम खाते हो, तो साथ में सैलेड भी रखी, तो उससे क्या हुआ ना कि जहाँ 2 रोटी या 1.5 रोटी थी वहाँ 1 रोटी हो गई, क्योंकि उसकी जगह पे मुझे सैलेड भी खाना है, दाल भी खानी है, रॉ वेजीज भी है, पकी हुई वेजीज भी है, तो ये सारी चीज़ें जब कॉम्बिनेशन में आई, दही भी है, तो फिर क्या होता था ना कि रोटी का कंजम्पशन कम हो गया, राइस का भी कम हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात हुई मेरे साथ। और फिर विद इन अ 2 मंथ्स ही, मतलब उसके अंदर ही मैंने एकदम से जंप मारा, 8 kg मेरा कम हुआ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। होता था ऊपर नीचे होता था, 1 किलो बढ़ गया फिर से फिर डाउन आया, ऐसा हुआ बट एग्जैक्ट 8 kg कम हुआ, इंचेस लॉस हुए, मेरा टमी फैट भी काफ़ी हद तक कम हुआ जो बहुत ज़्यादा विजिबल था
लोग प्रेग्नेंट समझते थे वो कम हो गया। हाँ अभी भी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने डिज़ायर बॉडी पा ली है, ऐसा नहीं है। और क्योंकि हुआ ये कि बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, मैं बीमार भी पड़ी, कुछ फैमिलीज इशू हुए, फिर कोरोना टाइम था, तो उतना चीज़ें थोड़ा सा हो नहीं पाई। तो मैंने वेट लूज़ किया और जितना मैंने लूज़ किया उस पर ही मैं आज हूँ। दैट्स अ गुड थिंग कि मैंने अब बैक नहीं गया, मतलब जो मैंने कम किया था आज मैं उतने पे ही हूँ। ओवरऑल मैंने 15 केजीज कम किए, आपको मेरी फोटोज़ दिख रही होंगी वीडियो में साइड बाय साइड, तो आप देख सकते हो। और हाइट के अकॉर्डिंग जो फैट था तो उसके मतलब हिसाब से अगर 15 किलो गया तो काफ़ी अच्छा गया। अभी मुझे जो मेरा सेट गोल है वो ये है कि मुझे 10 केजी और करना है और इसी तरह करना है, मतलब मुझे बहुत जल्दबाजी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में काम करते हो, कोई ऐसी डाइट फॉलो करते हो कि स्टिक डाइट है या फिर कुछ ऐसी डाइट है कि हाँ 1 मंथ में आप कर लोगे 10 केजी, हो जाएगा, पॉसिबल है, मैं कहती हूँ पॉसिबल है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप बैक टू नॉर्मल अपने डाइट पे आओगे और जो चीज़ें उस टाइम आप फैंसी डाइट कर रहे हो, एवोकाडो खा रहे हो, ये खा रहे हो, वो खा रहे हो, खूब महंगी महंगी ब्रोकली खा रहे हो और लेट्यूस खा रहे हो, और उसके बाद कभी आप नॉर्मल फूड पे आओगे ना, तो आपका वेट इंक्रीज कर जाएगा, फिर वहीं पहुंच जाएगा। ये सारी चीज़ें भी आप खाओ अच्छे से, एक बैलेंस डाइट जो मैंने बताया ना आपको, घर की दाल, घर की सब्जी, रोटी, कब चिकन, जो भी आप खाना चाहते हो, बट क्वांटिटी जो है उस पर आपको नज़र रखनी है। सबसे मेन की जो है वो यही है कि आपका जो पोर्शन कंट्रोल है वो होना चाहिए, प्लस जो भी खाते हो अच्छे से च्यू करो, अच्छे से बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में अंदर जाएगा तो क्या होगा, डाइजेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा, जल्दी से डाइजेस्ट कर देगा, उसमें जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी उससे आपको एनर्जी मिलेगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्या होता है, हम खाना खाते हैं, हमारा डाइजेशन सिस्टम इतना स्लो है, बिगड़ा हुआ है कि वो हजम नहीं होता, अंदर पड़ा रहता है, फिर वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे ऊपर फैट चढ़ता है। तो अगर आप 32 बार का फॉर्मूला करते हो तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। साथ ही साथ आप फोटोज़ में देख लीजिएगा मेरे स्किन पे कितना फ़र्क पड़ा है, अभी मैं ग्लोइंग हो गई हूँ, मेरा कलर फेयर हो गया है, स्किन साफ दिखती है, मतलब कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कॉम्प्लेक्शन कोई भी हो, अगर आप ब्लैक हो, आप विटिश हो, फिर भी आपके चेहरे पे एक चमक आ जाती है जब आप अच्छा खाते हो, अच्छे से रहते हो, एक्सरसाइज करते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, वॉक करते हो, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इस तरह से मैंने अपनी जर्नी की, ये मेरे एक्सपीरियंसेस थे, और अभी ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी मैं लेकर आऊँगी। अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो सेकंड पार्ट में और चीज़ें बताऊँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें खाई, क्या कौन कौन सी ग्रीन टी ली, क्या क्या चीज़ें करी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी। आज के लिए इतना आई थिंक सफिशेंट हो गया, आप भी बोर हो जाओगे बहुत लंबी वीडियो देख के, तो चलिए फिर मिलती हूँ, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अपना खूब ख्याल रखिए और अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करिए, अपनी जो होप है उसे लूज़ मत करिए, वेट जाता है बट थोड़ा सा मतलब इट्स अ माइंड गेम, दिमाग से होता है सारी चीज़ें। और चलिए बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।